लव स्टोरी हमेशा फिल्मी नहीं होती और ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि मोहब्बत की हर कहानी फिल्मों की तरह हैप्पी एंडिंग वाली हो। ये भी हमेशा मुमकिन नहीं कि जिस रोमांटिक हीरो पर हर फिल्मी हसीना दीवानी हो जाती है और उसे चाहती है, फिर उसे असल जिंदगी में भी वही मोहब्बत नसीब हो जाए। कम से कम देवानंद की लव स्टोरी पर यो तो बात सही साबित होती है कि जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर फिल्मों के दौर तक फिल्मी पर्दे पर मोहब्बत के कई रंग भरे, लेकिन खुद की मोहब्बत बेरंग ही रह गई, जिसे पाने की खातिर वो गहरे पानी में छलांग लगाने से नहीं कतराए, उसे चाहकर भी हासिल नहीं कर सके। देवानंद को अपने कोस्टार सुरैया से बेपनाह मोहब्बत थी। वो खुद अपनी जिंदगी पर लिखी किताब और कुछ इंटरव्यूज में अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं। इंस्टाग्राम हैंडल फिल्मी हिस्ट्री पिक्स के मुताबिक देवानंद और सुरैया एक गाने की शूटिंग के दौरान नाव पर सवार थे। सुरैया अचानक नाव से फिसल कर पानी में गिर गई। देवानंद ने भी बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी ताकि सुरैया को बचा सके। खुद उन्होंने इस बारे में कहा कि पहले प्यार क्या होता है ये समझा जा सकता है और सबसे बड़ी तकलीफ ये कि उसे कभी ना पा सके। उस दौर में देवानंद ने 3000 रुपए इकट्ठा कर सुरैया को हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी। देवानंद ने इस तोहफे की खातिर कितनी मेहनत की है सुरैया खूब जानती थी, लेकिन सुरैया की नानी को उनका ये रिश्ता कबूल नहीं था। वैसे तो सुरैया की मां देवानंद को पसंद करती थी, लेकिन नानी के सामने उनकी एक न चली। नानी ने सुरैया और देवानंद के मिलने पर पाबंदी लगा दी और वो अंगूठी भी ले ली। इसके कुछ समय बाद देवानंद ने कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने अपनी मोहब्बत के साथ ताउम्र तन्हाइयों के बीच गुजार दी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।